पैर दबाने से इनकार करने पर कलियों के बेटे कुख्यात गुंडे कुशल उर्फ इंका शेंडे ने अपने पिता को लात घूसों से पीटकर मौत के निंद सुला दिया। यह वारदात कोतवाली थाने के तहत नवाबपुरा में हुई है। पुलिस ने इंका को गिरफ्तार किया है। मृतक पिता 62 वर्षीय दत्तात्रेय शेंडे हैं। एक बेटी को जहां अपने बूढ़े पिता की सेवा करनी चाहिए, वहीं एक अपराधी ने अपने पिता को पांव दबाने को कहा। जब पिता ने इनकार कर दिया तो मानसिक रूप से विकृत इस बेटी ने अपने पिता को ही पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना से परिसर के नागरिक भी गुस्साए हुए हैं। हर कोई इस पापी अपराधी को कोस रहा है। मृतक करण अपार्टमेंट नवाबपुरा निवासी दत्तात्रेय बालकृष्ण शिंडे बताया गया है। पकड़ा गया आरोपी कुशल उर्फ इंका शिंडे बताया गया है। दत्तात्रेय की पत्नी का 2 वर्ष पहले निधन हो गया, तब से वे अपने बड़े बेटे प्रणव और कुशल के साथ फ्लैट में रहते हैं। पड़ोस में रहने वाले भतीजे चैतन्य का परिवार उनके लिए भोजन का प्रबंध करता था। प्रणव मजदूरी करता है, लेकिन कुशल लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, मारपीट, फिरौती, वसूली सहित गंभीर मामले दर्ज है। वो कोई काम धंधा नहीं करता है। पिता और भाई के साथ भी दादागिरी करता था। शनिवार की शाम 5 बजे के दौरान तीनों घर में ही बैठे थे और कुशल ने ऐठते हुए दत्तात्रेय को अपने पैर दबाने को कहा। उन्होंने इनकार कर दिया तो वह बौखला गया। उसने पिता के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर वह ज्यादा भड़क गया और मारपीट शुरू कर दी। छाती, पेट, सिर और पसली पर लात और घूसों से प्रहार करने लगा। प्रणव ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उसे भी मारने की धमकी दी। प्रणव तुरंत घर से बाहर निकला और चैतन्य को जानकारी दी। चैतन्य ने बीच बचाव किया, लेकिन तब तक दत्तात्रेय अधमरी हालत में जमीन पर बेहोश पड़े थे। उन्हें उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने जांच कर दत्तात्रेय को मृत घोषित कर दिया। शनिवार रात्रि 8:30 वाजता मेयो दवाखाना येथून कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे एक MLC प्राप्त झाली होती आणि त्यामध्ये अकस्मात मृत्यू झाल्याची माहिती मिळालेली होती। त्यानुसार आमच्याकडे अकस्मात मृत्यू प्रकरण दाखल करण्यात आले होते, परंतु थोड्या वेळाने तहसील येथील मेयो बूथ इथून फोनद्वारे कळविण्यात आले की सदर जो मयत आहे त्याला त्याच्या मुलानेच मारहाण केल्याची माहिती प्राप्त झाली होती। त्यानुसार आम्ही स्वतः मेयो दवाखाना येथे जाऊन बॉडी चेक केली आणि खात्री केली, तर त्या मयताचे जे मोठा मुलगा आणि त्यांचा जो पुतणे आहे त्यांनी सांगितले की मयताचा 2 नंबरचा मुलगा कुशल शेंडे उर्फ इंगा याने वडिलांशी 4:30 वाजल्यापासून तो भांडण करत होता, वडिलांना पाय दाबण्यासाठी सांगत होता आणि वडील पाय दाबायला नकार देत होते, म्हणून तो त्यांच्या छातीवर बसून त्यांच्या छातीवर, पोटावर, चेहऱ्यावर, पाठीवर अशा खूप जोरजोराने मारत होता, नाकावरसुद्धा मारत होता। आणि मोठ्या मुलाने मग त्यांच्या चुलत भावाला फोन केला आणि इंगा खूप मारत आहे अशी माहिती दिली। त्यानंतर चुलत भाऊ घरी आला आणि त्याने जेव्हा त्यांना हलवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ते शुद्धीमध्ये होते, परंतु थोडेसे अस्वस्थ होते, म्हणून तो त्यांना उचलून बसवत होता। तेव्हा आरोपी कुशल याने पुन्हा ये नाटक करत आहे असं बोलून पुन्हा त्यांच्या नाकावर जोराने गुद्दा मारून त्यांना पाडलं होतं। त्यानंतर त्यांना तत्काळ त्यांचा मोठा मुलगा आणि चुलत भाऊ फिर्यादी यांनी त्यांना मेयो दवाखाना येथे दाखल केलं, परंतु प्रवासादरम्यानच त्यांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं होतं। तर आरोपी कुशल उर्फ दत्तात्रेय शेंडे उर्फ इंगा हा जो आहे वय 33 वर्ष हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे। कोतवाली तहसील लकडगंज अशा सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये 2013 पासून आत्तापर्यंत त्याच्यावरती खंडणीचे, बॉडी ऑफेन्सेस, शिवीगाळीचे 294 असे वेगवेगळे गुन्हे, आर्म्स ॲक्टचे गुन्हे असे एकूण 18 गुन्हे दाखल आहेत आणि हा रेकॉर्डवरील आरोपी आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।